आज माता कुष्मांडा यानी कामाक्षी देवी की पूजा का नियम है, तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस तरह हाथ में अक्षत पुष्प लें, हाथ जोड़ लें, आँख बंद कर लें और माता कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान रखते हुए स्तुति करेंगे। अरि माहिद गुणोदारा मकराकार चक्षुषम अनंत शक्ति भेदाम ताम कामाक्षी प्रणमाम्यहम। अर्थात अरिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ देने में उदार मीनाक्षी माता अनंत गुह्म शक्तियों के रहस्य को जानने वाली, अनंत शक्तियों का भेदन करने वाली कामाक्षी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार माता को प्रणाम करके अक्षत और पुष्प यहाँ कलश पे या माता के प्रतिमा के पास छोड़ दें। बाकी सारी जो भी पूजा पाठ है उसका क्रम वही रहेगा। माता को जो जो चीज़ अर्पित की जाती हैं, अक्षत पुष्प लौंग इलायची नैवेद्य पान सुपारी उरोली सिंदूर कुमकुम अवरक इत्र हल्दी माला और फल, सभी चीज़ें आप उसी क्रम में चढ़ाइए, पूजा कीजिए, पंचामृत चढ़ाइए और इसके उपरांत कवच पाठ स्तोत्र पाठ और अध्याय पढ़ के और आरती करके क्षमा प्रार्थना मांग के आप पूजा समाप्त कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप पूरे दिन फलाहार रहें और सदाचार में अपना समय व्यतीत करें। तो जय माँ शेरावाली। बोलिए कुष्मांडा माता की, शेरावाली माता की, सर्व देवी देवताओं की जय।